कोरोना जांच में निजी पैथोलॉजी की भूमिका सवालों के घेरे में है। एक दिन पूर्व निजी पैथोलॉजी की जांच में पॉजिटिव पाए गए दोनों मरीजों की रिपोर्ट आरएमएल की जांच में आई नेगेटिव। L1 कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती किए गए 10 मरीजों की भी रिपोर्ट आई नेगेटिव। बहराइच में अब केवल 7 मरीज पॉजिटिव। एक दिन पूर्व प्रशासन ने निजी पैथोलॉजी लैब की जांच कर सायर अस्पताल और केडिया हॉस्पिटल के डॉक्टर और इसके स्टाफ को किया था क्वारंटाइन। अब दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने बिना रिपोर्ट की सत्यता की जांच किए दोनों मरीजों को किया था कोविड-19 अस्पताल में भर्ती। दोनों पॉजिटिव मरीजों के क्षेत्रों को घोषित किया गया था हॉटस्पॉट। दोनों निजी अस्पताल भी सीज किए गए थे। मैं डॉक्टर सुरेश सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच बोल रहा हूँ। आज 72 सैंपल की रिपोर्ट आई, सभी रिपोर्ट निगेटिव है। हर्ष की बात है कि L1 चिकित्सालय में कोरोना पॉजिटिव भर्ती मरीज के 8 मरीजों की द्वितीय सैंपल रिपोर्ट भी निगेटिव आई है और 3 श्रावस्ती के भर्ती मरीजों की भी द्वितीय सैंपल रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस प्रकार 11 मरीज हमारे कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, कल उनकी छुट्टी होगी और अभी 7 मरीज भर्ती हैं हमारे L1 हॉस्पिटल चित्तौरा में। पैथकाइंड लैब में पॉजिटिव पाई गई महिला श्रीमती नर्मदा श्रीवास्तव, जिसका कल ऑपरेशन द्वारा स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ था, आज प्रातः रिपोर्ट में निगेटिव आई है। इस प्रकार पैथकाइंड के दोनों पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पैथकाइंड लैब को एक नोटिस भेजी गई है जिसमें उनसे पूछा गया है और कहा गया है कि अपने वो सैंपल के जो एकत्र किए थे उनको हमें प्राप्त कराएं, जिसके हम अपने राम मनोहर लोहिया लैब में दोबारा से जांच कराएंगे। L1 कोविड में चिकित्सालय में लगे हुए समस्त चिकित्सा कर्मियों बधाई के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयास से 11 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 33 मरीजों का सैंपल जांच हेतु आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान भेजा गया। अब तक कुल 1104 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 952 निगेटिव और 17 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 152 व्यक्तियों की रिपोर्ट आनी शेष है। क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 120 व्यक्ति भर्ती है। L1 कोविड चिकित्सालय चित्तौरा में भर्ती मरीजों की स्थिति सामान्य है। आम जनमानस से अपील है कि अफवाह पर ध्यान न देते हुए हाथों की सफाई और मास्क आदि का प्रयोग। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस